अस्सलाम गाइस, मैं वकार। आप देखें वकार पिजन जी। तो गाइस सुबह का टाइम हो चुका है, हमने अपने पिजन्स को डालना है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5:30 बजे फिर हल्की सी बारिश हुई है। मौसम बहुत ही प्यारा है, धूप अभी नहीं निकली। तो आए बर्तन को कर लेते हैं सब, बर्तन में डालते हैं दाना। बिस्मिल्लाह, तड़का देसी बाजरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने दिया है दाल, इसमें भी दाने हम देते हैं दाल ताकि कबूतरों को कोई परेशानी ना हो। माशाल्लाह कबूतर हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं, इनको बहुत जल्दी है। ये ब्लैक टेल भी आ रहा है। आ जाओ भाई साहब। फिर सबसे पहले राजा निकला है मेरे ख्याल से वाइट। भाई साहब इधर हमारी भैंस भी खड़ी होती है तो इसका भी डर जाता है कोई पाँव के नीचे ना आ जाए, इसलिए ये बर्तन इधर लगाता हूँ। जब भैंस नहीं थी तो मैं इधर बड़े आराम से प्यार से इधर सेट करता था, जो मिड में खाते हैं सारे। अब इस तरफ गायें हैं और इधर भैंस है हमारी, तो इसलिए जो सेटिंग है वो बड़े एहतियात से करनी पड़ती है ताकि कोई भी पाँव के नीचे ना आ सके। राजा हमारा पानी पी रहा है। माशाल्लाह हमारी टेल जो है आ गई हैं। माशाल्लाह डांसिंग पिजन हमारा। ये तो दोस्तों लाइट को हम कर लेते हैं ऑन। माशाल्लाह क्वीन हमारे अंडे पर बैठ गई। देखिए दोस्तों ये अंडा इसने अपना नहीं देखने देना, किस तरह ये अटैक करेगी। भाई साहब, अरे भाई देखने तो दो। भाई साहब मारो मुझे मारो। ये देखो भाई किस तरह अटैक कर रही है, माँ माँ ही होती है इस मर्जी की हो। माशाल्लाह ब्लैक टेल के अंडे हैं। उसके अलावा इधर भी कोई अंडा नहीं रिपोर्ट हो रहा ना इधर। भाई साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह इधर भी ब्रीड होगी। केज की सफाई अब फिर करनी पड़ेगी एक दो दिन तक, केज अब गंदा होता जा रहा है काफ़ी। लाइट को कर देते हैं ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक टेल्स हमारे। अब क्योंकि मौसम आपको बताया थोड़ा ठीक है, ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो सर ब्रीड है वो सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाती है, जिससे बहुत ही प्यारी जो है ब्रीड होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पिजन्स हमारे खा रहे हैं दाना, दो हाथों पर भी खिलाते हैं फीड, देखते हैं कोई खाता है या नहीं। राजा तो ज़रूर खाएगा। हमारा ब्लैक एंड वाइट राजा, ये ब्लैक टेल भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये लड़ना, वो मेरे हाथों को क्यों काट रहा है यार। मुट्ठी हो गई है बंद, ब्लैक टेल बैठ गया हमारे हाथों पर। भाई साहब ओपी वाला सीन, हाथों पर खा रहा है ये दाने। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, ये फिर कह रहा है कि मैं हाथों पर डालू दाने। आ जाओ देखते हैं कौन आता है। ब्लैक टेल आएगा आएगा आएगा। भाई साहब ब्लैक टेल और हमारा ब्लैक राजा आ चुका है। भाई साहब राजा ने इसको मार कर नीचे गिरा दिया और खुद अकेला खाए ना पूरा। खाओ भाई खाओ खाओ खाओ, डरो मत यार। तो मैं क्या बोलना, मेरे ब्लैक टेल आ गया। ओ भाई साहब मेरे हाथों को काट रहा है यार, इसकी बहुत बुरी आदत है ब्लैक टेल की, जब से आया ये हाथों को काटता है। लेकिन सामने मुट्ठी बंद करके तो दिखाए कोई, ये हाथों को काटता है और ज़ोर ज़ोर से काटता है। अलग के दर्द नहीं होता, दर्द की बजाय मज़ा आता है जब ये हाथों को काटता है। माशाल्लाह टेल हमारा आप चेक कर सकते हैं, गिर जाता है ऐसे, गर्दन पूरी इसने लगानी है जैसे इसने शर्ट लगाई हो। भाई साहब इधर हम दाना खिला रहे हैं, इधर ये स्विमिंग पार्टी हो रही है। चलो भाई गंदे हो जाओगे। ये तो दोस्तों जी अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं अपना फेस रिवील करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।